नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इसी YouTube चैनल स्मार्ट टेक में। दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी आज हम आप सभी के लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि मध्य प्रदेश में जो भी गवर्नमेंट स्कूल या फिर एक्सलेंस स्कूल होते हैं उनमें आपको एडमिशन की प्रक्रिया किस तरीके से करनी है, किस तरीके से काउंसलिंग में भाग लेना है, उसी प्रोसेस को आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा, साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आज हम जो प्रक्रिया आपको बताने वाले हैं वो है गवर्नमेंट मध्य प्रदेश में जितने भी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल या फिर हाई स्कूल होते हैं उनमें एडमिशन लेने के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया की जाती है। मतलब कि यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आगे की प्रक्रिया बता दूं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको उस रजिस्ट्रेशन जो कि आपने ऑनलाइन किया उसको आपको अपने नज़दीकी जिस भी स्कूल में आप एडमिशन लेना चाहते हो, मान लीजिए आप 11वीं में एडमिशन लेना चाहते हो या फिर 9वीं में एडमिशन लेना चाहते हो, तो वहाँ रजिस्ट्रेशन के बाद यानी कि ऑनलाइन फॉर्म आवेदन करने के बाद जो आपको प्रिंट आउट मिलता है उसको आपको स्कूल में जमा करना होता है। जिस भी स्कूल के लिए आपने आवेदन किया है उसमें जमा करने के बाद आपकी मेरिट बनती है, मतलब कि जो भी आपकी परसेंटेज होगी, जैसे कि 11वीं में एडमिशन लेना है तो 10th की परसेंटेज देखी जाएगी, तो यहाँ पर उसी 10th की परसेंटेज के अनुसार यहाँ पर आपकी काउंसलिंग एक तरीके की काउंसलिंग ही मानी जाती है। तो यहाँ पर आपके मेरिट अनुसार आपका नाम आता है, फिर आपको एडमिशन मिल जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब वो प्रक्रिया आपको किस तरीके से करनी है उसको जानते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, आपको गूगल ओपन कर लेना है सिंपली अपने मोबाइल या किसी भी कंप्यूटर लैपटॉप पर, ठीक है ना। इसके बाद आपको सर्च कर देना है OSMS MP ऑनलाइन। जैसे ही आप लिखकर सर्च करोगे तो देखिए फर्स्ट लिंक आ जाती है, ऑनलाइन स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम। सिंपली आपको फर्स्ट लिंक पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर एडमिशन लेना है तो एडमिशन का एक जो आपका येलो कलर का बटन दिख रहा है इस पर माउस की मदद से यहाँ पर क्लिक करें। इसके बाद जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर भोपाल सेलेक्ट किए लेता हूँ, ठीक है ना, या फिर छतरपुर सेलेक्ट किए लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए। इसके बाद मैं गो बटन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर पिक्चर कैप्चर डालने के लिए बोलता है। यहाँ पर 5 और 2 7 होते हैं, 7 डाल दिया और सर्च बटन पर मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर देखिए जितने भी गवर्नमेंट स्कूल के अभी वर्तमान में चालू हो चुके होंगे, अभी बहुत सी मध्य प्रदेश में ऐसी डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर एक्सलेंस स्कूल या फिर गवर्नमेंट स्कूल आप जिस स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हो उनकी प्रक्रिया स्टार्ट नहीं हुई है। लेकिन यहाँ पर मैं एडवांस में वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक तरीके से पता चल सके, ठीक ना। तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर 2 स्कूलों के यहाँ पर अभी फॉर्म डाल रहे हैं, जैसे कि एक्सलेंस नंबर 1, ठीक है ना। तो यहाँ पर छतरपुर का जो एक्सलेंस स्कूल उसकी काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है, 15 तारीख से यहाँ पर आवेदन होने लगे थे। और यहाँ पर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल तो यहाँ पर भी आपके जो एडमिशन की प्रक्रिया है एडमिशन फॉर्म भरने लगे हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से मैं आपको दूसरा एक और कोई डिस्ट्रिक्ट खोल के दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर एडमिशन के सेक्शन पर दोबारा आते हैं, यहाँ पर टीकमगढ़ सेलेक्ट किए देते हैं, यहाँ पर गो बटन पर क्लिक किए देते हैं और इसके बाद पिक्चर कैप्चर डाले देते हैं और सर्च बटन पर क्लिक किए देते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी 2 स्कूल आपको देखने को मिल रहे होंगे, पहला तो आपका सीनियर बेसिक, दूसरा आपका एक्सलेंस स्कूल, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर एग्जांपल के लिए आपको एक्सलेंस स्कूल में फॉर्म भरना है एडमिशन फॉर्म, तो यहाँ पर क्लिक हेयर का बटन दिया गया है एक्शन के नीचे। सिंपली इस क्लिक हेयर के बटन पर क्लिक करें तो यहाँ पर देखिए आपको एक छोटा सा फॉर्म भरना होगा, जिस फॉर्म को भरने के बाद आपको इसका प्रिंट आउट निकालना है। 25-50 रुपये जो भी आपकी फ़ीस सबमिट होती है उसको सबमिट करें, ऑनलाइन पे करें। प्रिंट आउट निकालने के बाद 2 सेट बनाए, सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच वगैरह करें और जिस भी स्कूल के लिए आपने आवेदन किया है उसी स्कूल में सबमिट करें फॉर्म को, ठीक है ना। तो बस दोस्तों इतना सा ही यहाँ पर प्रोसेस होता है, बाकी आपकी रैंक के आधार पर ही, परसेंटेज के आधार पर ही आपको स्कूल दिया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूले, साथ ही साथ दिए गए इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो करें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।